कोविड काल में सुस्त बाजार की मार से परेशान लघु उद्यमियों हस्तशिल्पियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल बाजार का उपहार दिया है। ऑनलाइन ODOP मेले में घर बैठे उद्यमियों के उत्पादन स्थानीय उपभोक्ताओं के साथ समंदर पार से ही खरीदार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को देश के पहले ODOP वर्चुअल फेयर का औपचारिक उद्घाटन किया। 5 दिवसीय वर्चुअल फेयर के उद्घाटन अवसर पर फिक्की के चेयरमैन संगीता रेड्डी और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त गायत्री कुमार सहित उद्योग जगत और विदेश में भारत के विभिन्न प्रतिनिधियों की वर्चुअल सहभागिता रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं का प्रदेश है। हर जिले के कुछ उत्पादन वहां की पहचान है। एक जिला एक उत्पाद जैसी योजना इन्हीं विशेषताओं को वैश्विक मंच देने का प्रयास है। भदोही की कालीन, वाराणसी की साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ का हार्डवेयर, गोरखपुर का टेराकोटा सहित सभी 75 जिलों की अपनी खूबी है। यहाँ के शिल्पियों और उद्यमियों के जीवन की खुशहाली और सपनों में रंग भरना हमारी प्रतिबद्धता है। योगी ने शिल्पियों और उद्यमियों के विकास तथा प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से फिक्की से मिल रहे सहयोग की प्रशंसा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड काल में लघु उद्यमियों और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई प्रयास किए हैं, उनका कारोबार निर्बाध चलता रहे, इस उद्देश्य से वर्चुअल फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ये अभिनव प्रयास निश्चित ही शिल्पकारों के लिए उपयोगी होगी। योगी ने कहा कि वर्चुअल बायर सेलर मीट शिल्पियों ने निर्यातकों के लिए निश्चित ही उपयोगी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है और अन्य राज्यों के अनुकरणीय बताया। ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वाराणसी के उद्यमी शैलजा अरोड़ा और आगरा के अनुराग मित्तल से भी बात की। दोनों उद्यमियों ने कहा कि ODOP योजना के आसान शर्तों पर उपलब्ध ऋण की मदद से हम लोग तकनीकी रूप से सक्षम हुए हैं। इससे उत्पाद और उत्पादन दोनों में ही गुणात्मक सुधार हुआ है। इससे पहले प्रदेश के MSME विभाग के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि ये ग्लोबल फेयर प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर वोकल की संकल्पना को साकार करने वाला है। इस वर्चुअल फेयर में 35 देशों के 1000 से अधिक खरीदार प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रदेश के लगभग 700 शिल्पी और विक्रेता मेले में अपनी स्टॉल लगा चुके हैं। इस संख्या में इजाफा जारी है। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए ग्लोबल अवसर है। मंत्री ने कहा कि ODOP योजना मुख्यमंत्री जी के अभिनव सोच का प्रतिबिंब है। इसने क्षेत्रीय विशेषताओं को वैश्विक पहचान दी है। उद्योग संगठन फिक्की के चेयरपर्सन संगीता रेड्डी ने कहा कि ODOP की परिकल्पना बेहतरीन है। इसके प्रोत्साहन के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है। वर्चुअल फेयर से जुड़े सभी स्टॉक होल्डर्स को लाभ होगा। फिक्की इस आयोजन को सिर्फ 5 दिन ही नहीं बल्कि पूरे 1 साल जारी रखेगा। Into a heaven for small and medium industries.
why the Yogi government through its One District, One Product program on the one hand is identifying small and cottage industries and providing them with financial assistance along with acquainting them with management skills, product design and development, market expansion and new techniques of workmanship. On the other, it will make a new beginning by innovative packaging local products and taking them to the global level. This beginning will mark the inauguration of a new era for MSMEs in Uttar Pradesh, under which workshops will be organized, specific training programs will be run, special markets and plans will be developed for skill development and product promotion, which will generate new opportunities for employment and trigger an increase in earnings. This increase in earnings will fulfill Yogiji's promise of making Uttar Pradesh prosperous and happy. In a nutshell, Uttar Pradesh, which was hitherto known only countrywide for its high quality product and excellent workmanship, will now reach new horizons of progress under the aegis of the Yogi government. One district, one product scheme. ओडीओपी वर्चुअल फेयर 2020 के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, लंदन में भारत के हाई कमिश्नर गायत्री ईश्वर कुमार जी, फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री नौनी सहगल जी, डीजी ईपीसीएस श्री राकेश कुमार जी, आज के इस ओडीओपी फेयर में हम सबके साथ वर्चुअली जुड़े हुए सभी प्रदेश के परंपरागत उत्पाद से जुड़े हुए हस्तशिल्पी, कारीगर और अन्य सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अपनी तरह का कोविड-19 की इस महामारी के दौर में एक वर्चुअल फेयर का शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए एमएसएमई विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए, आप सभी जो बायर्स और सेलर्स आज के इस फेयर के साथ जुड़ रहे हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि फिक्की के साथ मिलकर के आज से लेकर के 23 अक्टूबर तक ये वर्चुअल फेयर आयोजित किया गया है। फिक्की के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम 2017-18 में प्रारंभ किया था, वो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। 2018 में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना प्रारंभ की थी और आज मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने परंपरागत उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। भारत सरकार ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी इस अभिनव योजना को देश के अन्य राज्यों के अंदर भी लागू करने के लिए कहा है। फिक्की के साथ मिलकर के हम लोगों ने 2018 में ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट था। इसने प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया।
और इसके बाद प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग का पहला कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ था। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन प्रदेश के अंदर संपन्न होने के साथ ही केवल अब तक इन्वेस्टर समिट एमओयू तक सीमित नहीं होंगे बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उतरते हुए दिखाई देंगे। यह प्रदेश के अंदर दो चरणों में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन ने साबित करके दिखाया है। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में हम वर्चुअल फेयर के माध्यम से बायर सेलर मीट आयोजित करके बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर जो विभिन्न प्रकार के फिक्की EPCH के द्वारा संयुक्त रूप से जो विकसित जो ODOP वर्चुअल मेल जो फेयर है इसमें वो ODOP प्रोडक्ट की ब्रांडिंग मार्केटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज बनाना ODOP उत्पाद और उद्यमियों के लिए B2B को विकसित करना और मुझे प्रसन्नता है कि 35 देशों के बायर्स और देश के लगभग 1000 बायर्स भी अब तक इसमें उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रदेश के लगभग 600 ODOP सेलर्स इस वर्चुअल फेयर में अपना स्टॉल लगा चुके हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मेले के माध्यम से प्रदेश के ODOP उत्पाद को इंटरनेशनल मार्केट तक उसकी पहुंच को आसान करना और उत्पाद का सही दाम उस व्यक्ति को मिल सके जो वास्तव में उसका उत्पादक है, इस पर हमारा पूरा फोकस है। खासतौर पर जो एक्सपोर्ट काउंसिल हैं जिसमें काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यानी इन सभी के साथ समन्वय करते हुए इस फेयर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं ये अपने आप में एक अभिनव प्रयोग है। ODOP कार्यक्रम के जो हमारे MOU पार्टनर्स हैं, अमेजन इंडिया है, MBA इंडिया है, QCII है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग, SIDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, निफ्ट रायबरेली एंड फ्लिपकार्ट, यानी इनको भी इसमें हम लोगों ने आमंत्रित किया है और इनके विशेषज्ञों के द्वारा भी अलग अलग टेक्निकल सेशंस में भाग लेना और उसके माध्यम से लोगों को इस उत्पाद से जुड़े हुए प्रदेश के जितने भी बायर्स सेलर्स हैं इन सबको इसके साथ जोड़ने के साथ साथ कैसे हम इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर जहां अच्छे ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं वहीं साथ ही साथ भारत में स्थित जो विदेशी दूतावास और विदेशों में स्थित जो हमारे भारतीय दूतावास हैं इनको भी वर्चुअली इन सभी वर्चुअल फेयर के साथ जोड़ने का एक बेहद कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। ODOP कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं को इस मेले में प्रमोशनल वीडियो द्वारा दर्शाने का प्रयास हो रहा है। साथ साथ ODOP प्रकोष्ठ एवं फिक्की द्वारा फेसबुक, गूगल तथा अन्य माध्यमों से भी ODOP वर्चुअल फेयर 2020 को एक व्यापक
प्रचार प्रसार भी करने का प्रयास हुआ है। मेरे लिए प्रसन्नता इस बात की है कि जिस बात को लगातार हम कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है, प्रदेश में हमारे पास 75 जनपद हैं और हर जनपद के अंदर कोई ना कोई एक विशिष्ट प्रोडक्ट है जो जनपद को अपनी नई पहचान दिलाता है। हम लोगों ने कोविड-19 के इस दौर में भी, जब प्रदेश देश में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अनलॉक में आने के साथ ही प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंकों के साथ उनको जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, देश के अंदर सबसे पहला लाभ एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को इसका लाभ प्राप्त हुआ था। और पिछले 3 वर्षों के दौरान जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर इस सेक्टर में प्रारंभ हुए हैं वे अपने आप में अभिनव हैं और उसकी का परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर जब हम लोगों ने हर जनपद की एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के और परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए जब कार्यक्रम प्रारंभ किए, तो आज हमारे उन परंपरागत उद्यमियों, हस्तशिल्पियों, कारीगरों में एक नया उत्साह भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा जिला है, चाहे वह वाराणसी का हो, वाराणसी में यद्यपि वो तो हमारी प्राचीन ज्ञान की नगरी है, वहां पर न केवल परंपरागत उत्पाद में रेशम के वस्त्रों की और खासतौर पर वाराणसी साड़ी ये दुनिया में विख्यात है, न केवल वहां उसके बारे में वह अपनी एक पहचान अलग से देता है, बल्कि वहां पे बहुत सारे इस प्रकार के उत्पाद वहां पर पहले से ही चले आ रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। भदोही की कालीन है, कन्नौज का इत्र है, लखनऊ की जो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर चिकन कारीगरी लखनऊ की विख्यात है, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्यम है, मुरादाबाद में पीतल का उत्पाद है, गोरखपुर का टेराकोटा का कार्य है, सहारनपुर काष्ठकला, अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, यानी ये अपने आप में प्रदेश के अंदर हर जनपद से जुड़ी हुई इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास पहले से मौजूद हैं और ये चीजें इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि जो अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, इन अपार संभावनाओं को केवल प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता थी। और आज जब हम लोग कोविड-19 के बावजूद वर्चुअल फेयर के माध्यम से इसे प्रोत्साहित करने के लिए फिक्की के साथ मिलकर के और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के जब ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह निश्चित ही न केवल प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में उत्तर प्रदेश के उत्पाद को एक नई पहचान के साथ उसको बेहतर मार्केट भी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ODOP वर्चुअल फेयर 2020 अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। मैं इससे जुड़े हुए सभी संस्थाओं और संगठनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं जो फिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी जी ने कहा है कि एक वर्ष तक वे इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है न केवल फिक्की के माध्यम से बल्कि प्रदेश के अंदर अन्य जो संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं सभी भी इसके साथ मिलकर के इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। भारत के अंदर जो विदेशी दूतावास हैं और दुनिया में जो भारत के दूतावास हैं, इनके माध्यम से भी हम लोग दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से इस वर्चुअल फेयर के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ODOP का यह वर्चुअल फेयर निश्चित ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके न केवल प्रदेश के अपने उद्यमियों, अपने हस्तशिल्पियों, कारीगरों को
एक नई पहचान दिलाएगा बल्कि व्यापक रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।